राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1056 नए मामले सामने आए। इसी के साथ ही दिल्ली में संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,35,275 पर पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार शाम को जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 28 मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या 3,881 हो गई। राजधानी में अब तक 1,17,507 मरीज इस महामारी को मात देकर पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में फिलहाल 10,887 मरीजों का इलाज चल रहा है। यहाँ मरीजों के ठीक होने की दर 88% से अधिक हो चुकी है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज दिल्ली में 4,843 RT-PCR के टेस्ट हुए हैं और 13,701 रैपिड एंटीजन के जरिए से टेस्ट हुए हैं। दिल्ली में अब तक कुल 9,76,827 जांच हुई है। मंगलवार को यहां कंटेनमेंट जोन की संख्या भी 715 रही। आपको बता दें, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण अब दिल्ली में कमजोर पड़ता दिख रहा है। दिन प्रतिदिन जहां इसके मरीजों की संख्या में कमी आती जा रही है, वहीं इससे मरने वालों का आंकड़ा भी घटने लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार शाम को ट्वीट कर कहा कि सोमवार को राजधानी के सबसे बड़े कोविड अस्पताल LNJP में कोई मौत नहीं हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से लापरवाही ना बरतने का आग्रह किया है और सभी से आवश्यक सावधानी बरतने को कहा है। केजरीवाल ने दावा किया कि शहर के महामारी प्रबंधन मॉडल पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि अभी हमें COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और अन्य सभी एहतियाती उपाय अपनाने होंगे। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।